एक बार एक वृद्ध व्यक्ति ट्रेन में सफर कर रहा था। उस ट्रेन के डिब्बे में वृद्ध व्यक्ति के अलावा और कोई नहीं था। तभी वहाँ कुछ शरारती लड़के आते हैं। ट्रेन रवाना हो गई। शरारती लड़कों ने ट्रेन की चेन खींचने का प्लान बनाया। सारे शरारती लड़के चेन खींचने की चर्चा करने लगे। सारे शरारती लड़कों ने 100-100 रुपए इकट्ठा किए और अपने एक लड़के को दे दिए और कहा कि टीटी आए तो जुर्माना दे देंगे। दूसरा लड़का बोला, जुर्माना तो ठीक है, हम दे देंगे, लेकिन 6 महीने की जेल भी है। और जेल हो गई तो अब सारे शरारती लड़के आश्चर्य में पड़ गए। तभी उन्हीं में से एक लड़का बोला, ये बुड्ढा जाएगा जेल, हम चेन खींच के इस बुड्ढे का नाम ले लेंगे, इससे हमारे पैसे भी बच जाएंगे और जेल भी नहीं जाना पड़ेगा। और वैसे भी इस डिब्बे में ये अकेला बुड्ढा है तो इसकी बात मानेगा कौन। तभी वृद्ध व्यक्ति बोल पड़ता है और उन लड़कों से कहता है कि नहीं बच्चों, ऐसा मत करो, मैं इस उम्र में जेल के कहां चक्कर लगाता फिरूंगा। लेकिन सारे शरारती लड़के हंसने लगते हैं, कोई भी उसकी बात नहीं मानता। और उन्हीं में से एक लड़का ट्रेन की चेन खींच लेता है। ट्रेन रुक जाती है। डिब्बे में टीटी और पुलिस आती है और उन लड़कों से पूछती है कि ट्रेन की चेन किसने खींची। सारे शरारती लड़के उस वृद्ध की तरफ इशारा करके कहते हैं कि ट्रेन की चेन इस वृद्ध व्यक्ति ने खींची। पुलिस उस वृद्ध व्यक्ति के पास जाती है और उससे चेन खींचने का कारण पूछती है। वृद्ध व्यक्ति कहता है, हाँ साहब, मैंने ही चेन खींची है, क्योंकि इन शरारती लड़कों ने मुझे अकेला समझकर मेरे 500 रुपए ले लिए। और वृद्ध व्यक्ति उस एक शरारती लड़के की तरफ इशारा करके कहता है कि इसके पास है मेरे 500 रुपए। पुलिस उस लड़के की तलाशी लेती है और उसके पास 500 रुपए मिल जाते हैं। पुलिस उन लड़कों को गिरफ्तार करके उस वृद्ध व्यक्ति को 500 रुपए लौटा देती है। शरारती लड़कों को ले जाते समय वृद्ध व्यक्ति उन लड़कों की चुटकी लेते हुए कहता है कि बेटा, ये दाढ़ी में सफेद बाल ऐसे ही नहीं आए। दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हमें वृद्ध व्यक्ति को कम नहीं आंकना चाहिए, क्योंकि वो शारीरिक बल से तो कमजोर हो सकता है, लेकिन मानसिक बल से हमसे कई गुना तेज होता है। और ऐसी प्रेरणादायक कहानियां सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।